नमस्कार शुभ संध्या यही शुभ संध्या को आपण मानक समस्त को स्वागत यही सुंदर संध्यारे एक सुंदर आकाश तले बसी समस्त पपाई मान सादर सप्रेम प्रणाम आउ से बात्यार विभीषिका नहीं आउ जंत्रणार चिह्न नहीं मुहरे भयर मध्य किछि विस्फोरण होना तेणु से भयर कारण आम हजई देचु एक सुंदर एक सौम्य संध्या को आम स्वागत करने को जाऊँ कारण ये किसी समय पूर्व आम देखुना से जो नील आकाशे आउ से घन विभीषिका नाला बर्षा बादल और मेघ घड़घड़ीर एवं सुंदर संध्या को आम स्वागत करने को जाऊँ एवं सुंदर आलोच्य विषय वस्तुटी आम चिंता करुचु मार ममता तेणु आम आज आलोच्य विषय वस्तु हूँ मार ममता मार ममता के ही पारी नहीं कोली तेणु यही हूँ मार ममता जी सगर रु आहुरी विशाल आकाश ठार आहुरी विशाल सगर ठार अनेक गभीर आकाश ठार आहुरी विशाल तेणु यही हूँ मार ममता से ही मार ममता को आम कल्पना करने को चेष्टा करवा एवं कल्पना करवा से माती माता जे पालन करे सी होती माँ पाती इति पिता जे रक्षा करे सी होती बापा तेणु जमी कहती माँ कोले पुओ दुनिया डरे ना बापा कोले पुओ बापा थिले पुओ सभारे हरे ना तेणु माँ कोले जेपर्यंत पुओ छाथिव से पर्यंत तार भय ना से निर्भीक होकर रही थाए ता पर अवस्था से थी कूल छाड़ीदे कि माँ कूल कर छाड़ीदे कि करना तेणु जेपर्यंत कूल अच्छा माँ पाटे अच्छा ताकि सब आपणकर सुखमय आनंदमय एवं सबुठ निरापत्तार समय बोलकर धरी नि जाए आम मैंने जहाँ बुझीचु बास्तविक ता सत्य तेणु माँ को सुंदर भाव कौन माँ ती माता जी रक्षा करे सी होती माँ आहरी सुंदर डेफिनेसन भर कौन सम ओन हु सीज द बेस्ट इन यू सबु बेले सबु प्रकारे सबु प्रभेदरे सबु स्थानरे सबु संपर्क मध्यरे माँ यही हूँ संज्ञा जे कि सी तुम भितर कौन से खराब जिनस देखे ना सीज द बेस्ट इन यू इवेन व्वेन यू ड्राइव हर क्रेजी जितेबले तुम्हें चिड़ई पगल करते अधर्य करदि से अधर्य न होकर धर्जर सहित रहंती आउ से तारी भर देखती तुम भितर गोटे संभावना अच्छी से विराट संभावना को से केवल तुम भितर परिस्फुरण हाँपी प्रस्फुटित हाँपी प्रचेषा करते जन्म हाँ को मनीष पिला चाहू ना से जन्म तो हाँपी पड़ कारण बर्थ एंड डेथ आर सीसलेस इटरेसन्स पॉइंट जन्म एवं मृत्यु ये हूँ तो निरवच्छिन्न प्रक्रिया ताको धरवाक पड़ो आगे पड़ो यहाँ हे जीवन सत्य व्यतीत द्वितीय सत्य किसी ना तेणु आत्मा आसवाक पड़ो एक्सपीरियंस नापी पड़ो डेभलप करने पड़ो से इच्छा करूना भगवान कहे तू जाते सतान भावुव से पचार तुम कुआड़ जी अजणा पृथ्वी असहाय पृथ्वी कष्टकय पृथ्वी क्लिष्टतार परिपूर्ण अंधकार परिपूर्ण अविद्यारे परिपूर्ण जुआड़े जीवे केवल जंत्रणा जुआड़े जीवे केवल छटपट अवस्था तारी भितर मुझे चाहूना तथापि प्रभु कहे तुझे जीवाक पड़ो अनुभूति नाक पड़ो तेणु माँ पेटर थी ढुणटा बढ़िया आरंभ कै किसी दिन गलापुर भितर को जिते बड़े चैत्य सत्ता जो विकसित होगा आरंभ कै धीरे धीरे आसवा आरंभ कै से भावुच्चे माँ पेट गर्भ से गर्भाशय हूँ मुझे सबुठ सेफ जगह निरापद जगह मुझे बाहर को जीवाक पड़ोना किंतु ताहा रही पारना अति बेसी दस मस दस दिन माँ निजर गर्भ भितर रखा रखीत अधिक समय रखिपर ताको बाहर को आसवाक ही पड़ो ये आसवाटा जीवन सत्य से माँ को पचारे केमी जीवी कड़े जीवी मुझे दुनिया को जानी से प्रश्न पचार भगवान बुझे देते जितेबाला तू बाहर को जीव कही तोर जी ना भी तो पाखे जन कही थे माँ बोलिकी थे अग्निबीज चंद्रबीज म दुईटार समष्टि तेणु सी जो बाहर को आसिक पहुँचू तोर हाथ धरी नब बाट देख आरंभ कर गेल कर तोर अधर से चुंबन भर तोर पादर सुरक्षित रख कंटारू सुरक्षित दब बाहर उत्ताप बाहर
ପ୍ରକାରର ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୋତେ ପ୍ରତିହତ କରିବ, ତୋତେ ନିରାପଦରେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବ, ତୋର ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେଇ ହେଉଛି ତୋର ମା'। ତୁ ଯା, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଦେଖିବୁ ତୋର ଯାହା ଶବ୍ଦ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ତୋ ପାଟିରୁ ବାହାରିବ ତାହା ହେଉଛି ମାତୃଶବ୍ଦ, ମା' ବୋଲିକରି ଶବ୍ଦ କହିବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନର ଗତି ବଦଳି ଯାଏ, ଜୀବନର ଆଗକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ନିଏ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ତାରି କୂଳରେ ସେଇ ମା' କୂଳରେ ଏକ ଅପରିଣତ ସମୟକୁ ସେ ପରିଣତରେ ପରିଣତ କରିପାରେ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଡୁବି ରହୁଥିବା ସମୟଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ବଦଳାଇ ଦିଏ, ଅନ୍ଧାରର ସମୟଗୁଡ଼ାକୁ ଆଲୋକରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦିଏ, ଜୀବନଟାର ରଙ୍ଗ ଦେଖାଏ, ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ, ହାତ ଧରି ଚଲେଇ ନିଏ, ସେଇ ହେଉଛି ମା'। ତିନୋଟି ଯୁଗର ତିନୋଟି ମାଆଙ୍କର କମ୍ପେୟାର କରିବା, କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମା' ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଯୁଗ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା, ତୃତୀୟ ଯୁଗକୁ ଯିବା, ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ସେଇ ମା'ଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ମା' ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବନବାସ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ସିନା? କୈକେୟୀ ଦାୟୀ। କାରଣ କୈକେୟୀ ଦୁଇଟା ବର ଯେଉଁ ମାଗିଥିଲେ ଦଶରଥଙ୍କୁ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସକୁ ଯିବେ 14 ବର୍ଷ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଉଛି ଭରତ ରାଜା ନବ ରାଜା ହେବ। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବନବାସକୁ ସେ ବରଣ ମାଗିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭରତ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ନିଜର ମା' ପ୍ରତି ତା'ର କଠୋରତା ଧୀରକୁ ଧୀର ବଢ଼ିଛି, ଭାଇଙ୍କର ପାଦୁକାକୁ ନେଇକରି ସେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ 14 ବର୍ଷ ସରିଯାଇଛି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଅଭିମାନ ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ରହିକରି ଅଭିମାନ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମଗ୍ଲାନୀ ଭିତରେ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି ମା' କୈକେୟୀ, କାରଣ ମୋରି ଯୋଗୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବନବାସ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଧା ଆସିକରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଓ କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ମା' କୁମାତା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଜଙ୍ଗଲ କୁପୁତ୍ର ତ ସଦତା ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ କୁମାତା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି ମୋ ଜନ୍ମ ଯେଉଁଥିପାଇଁ, ତୁ ଯଦି ମୋତେ 14 ବର୍ଷ ବନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯଦି ସହାୟତା ନ କରିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ବର ନ ମାଗିଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ପୃଥିବୀର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି, ଅବତାରତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି, ତାହାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନଥାନ୍ତା, ନା ସେଠି ରାବଣବଧ ହୋଇଥାନ୍ତା, ନା ଅସୁର ନିପାତ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ନା ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଋଷିମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିପାରିଥାନ୍ତା। ଅତଏ ତୋର ପ୍ରେରଣା, ତୋର ପ୍ରେମ, ତୋର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଏବଂ ତୋର ଯେଉଁ ଚତୁରତା, ତାହା ଯୋଗୁଁ ଏ ପୃଥିବୀର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ହେଲା। ତେଣୁ ତୁ ମାତା, କୁମାତା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତୁ ଯାହା ବି କରିଛୁ ତାହା ପଛରେ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ ତୋତେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଯୁଗର କଥା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବେ, ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ, ସେହି ସମୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ତା ପୂର୍ବକୁ ଆଗକୁ ଟିକିଏ ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ତା ପୂର୍ବର ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖାକୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଛୋଟିଆଟିଏ ହେଇକରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଅବତାର ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବାମନ ଅବତାର, କି ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ, ତାକୁ ଦେଖିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖାର ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଯଦି ମୋର ଯଦି ଜନ୍ମ ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କେତେ କୋଳରେ ବସେଇକରି ତାକୁ କ୍ଷୀର ପିଆନ୍ତି। ତାପରେ କିଛିଦିନ ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶିପକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତିନି ପାଦ ଭୂମି ନେଇ ବରମ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ବାମନ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପାତାଳକୁ ଚାପି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଜାତ ହେଉଛି, ଯଦି ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ମୋର ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷୀରରେ ବିଷ ମିଶାଇ ତାଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ବି କହିଥିଲେ ତଥାସ୍ତୁ, କାରଣ ମା' ଯାହା ମାଗେ ତାକୁ ପରିପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇଏ ହେଉଛି ସନ୍ତାନର ଧର୍ମ, ତଥାସ୍ତୁ। ତେଣୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁତନା ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପୁତନାର ସେତେବେଳେ ସୁପର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ପୁତନାର ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣ ଶୋଷିଲେ ନାଶ ଗଲା ପୁତନା, ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଯାକ କଥା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା, ସନ୍ତାନ ବୋଲିକରି ଭାବି ହାତରେ ଧରି କୋଳେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏବଂ ତା ସହିତ କ୍ଷୀରରେ ଯେତେବେଳେ ବିଷ ମିଶାଇ ଦୋଷିଲେ, ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ନାଟିକା ସାରିଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କ୍ଷୀର ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣ ଶୋଷିଲେ ନାଶ ଗଲା ପୁତନା, ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର କଥା। ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାଟି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ କରିବାକୁ ଯାଇକରି ସୈନିକ ଜଣକ ମରିଯାଉଛି, ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତା ମା' ଯାଉଛି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ମା' ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲାଟା ପଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, କୋଳରେ ଧରିକରି ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନକାର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ମିଡ଼ିଆବାଲା ଭାବିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୋଧ ହୁଏ ପିଲାଟାକୁ ଦେଖିକରି କାନ୍ଦିବ, ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇବ, କିନ୍ତୁ ମା'ର କିଛି ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଗଲା, ପିଲାଟାକୁ ଗେଲ କରିଦେଲେ ଆଉଟ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆବାଲା ପଚାରିଲେ ପିଲାଟା ତୋର ମରିଗଲା, ତୋର ନିଜର ପୁଅ ଥିଲା ମରିଯାଉ, ତୋର କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଉନି, ସେତେବେଳେ ମା' କହୁଛନ୍ତି ବରଂ ମୁଁ ଖୁସି ହେଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁ
संस्कार देखिली देख सबूजाक गुड़ शत्रुपक्षर सबूजाक गुड़ तार छाती को विद्ध कर कारण से युद्ध में भय करी पछ करी से फेरी जा शत्रुपक्षर सब गुड़ को छाती में नहीं तेणु एभलिया संस्कार एभलिया मोर मार संस्कार को ग्रहण कराठू बड़ जिन अन्न कौन अच्छी तेणु यही अवस्था भितर आम जो जाऊ जाचु बुझीचु तेणु चिंता करवा दरकार मार संतान अवस्था कौन तेणु कह जाए जदि चिंता कर देखु कैकई पर जदि माँ थे कौशल्या पर जदि माँ थे तेल रामचंद्र तो जन्म हे कि सुधरवे तो सुधरवे रामचंद्र तो सही तो अवतार वीरत्व गाथा से गाइबे ही गाइबे जोबले जदि माँ जदि जशोदा होते माँ जदि देवकी होते संतान तो कृष्ण होकर तो मन मह अवतारी हम ही हम से सन्देह करार अवकाश ना तेणु चिंता कर देखु जदि जीजाबाई जदि माँ होते हैं शिवाजी तो तैयारी हे स्वर्णलता जदि माँ होते हैं तो श्रीअरविंद तैयारी हेबे सन्देह करार ना तेणु माँ उपर निर्भर करते जन होते सुंदर भाव से गढ़ी तोड़ी गोटे सुंदर कथा सुंदर कहानीटे मन पड़ू जोबले बीरबल्ल अकबर कथा जानुंट बीरबल्ल मध्य थाए अनेक अहंकार जे मुँह हूँ प्रबल ज्ञानी तेणु दिन माँ को माँ मध्य जापारे पचारे माँ ताक डाक नहींक्री आरे तू ज्ञानी होचु ना मुझे ज्ञानी कई से बीरबल्ल भितर अहंकार अच्छी कहते मुँह पढ़ी मुझे मुझ सब जिन बढ़ी गढ़ी मुश्चित भाव में ज्ञानी से माँ कहते अरे तू ज्ञानी नुह मोरी जो तू आज ज्ञानी होचु तोरी मोरी जो तू मंत्री होचु कहे केमी कौन संभव हो पाए यही कथा शुणु शुणु से सांगे सांगे बसिक बुझौं मत मुझे तू जो मो गर्भरे माँ ताक कहते तू जो मो गर्भरे कौन होता ना जड़े ऋषि आसी ऋषि कहीदेकर गले बड़ सुंदर भाव में जदि प्रथम प्रहर में जन्म हबु ताहले चोरखंड हबु जदि द्वितीय प्रहर में जन्म हबु ताहले मंत्री हबु जदि चाकरी तृतीय प्रहर में जन्म हबु जन्मदेवी तते मु जदि जन्मग्रहण करू ताहले तू राजा होबु तेणु तोर से जन्म नबार समय आसिक पहुँचला प्रबल भाव में जोबले गर्भ जंत्रणा आरंभ होगा से प्रथम प्रहर होता है भावु थाए जदि प्रथम प्रहर में मुझे जन्म देदेवी ताहले तू निश्चित भाव में चोरखंड हबु अतएव से मुझे अपेक्षा करी द्वितीय प्रहर केमी हम द्वितीय प्रहर मध्य आसिक पहुँचला किंतु द्वितीय प्रहर में चेष्टा कली गर्भजंत्रणा को सहवाक तृतीय प्रहर है तू राजा हो प्रथम प्रहरटा कटी जा पारि ना गर्भजंत्रणा को कष्ट भोगी सही पारि ना अतएव ते जन्म देदेली तू बुद्धिमान हेलु मंत्री टीए हेलु राजा अकबर पछरे गोड़ौचु कि प्रथम तृतीय प्रहर में जन्म दे था हुए तो इतिहास आउ किसी तैयारी होता तोरी भाई बुद्धिमान लोक आज इतिहास तैयारी था राजा या तेणु यही हूँ माँ संपद यही हूँ माँ संपर्क आरि भितर मनीष गड़ी गड़ी जाऊँ बढ़ी बढ़ी जाऊँ आम टे आग को चलवा ये जुग को आसवा अति मानस जुग को आसवा तेतया द्वापर सत्य जुग ठार आरंभ कर तेतया जुगर द्वाप सत्य जुग ठार बामन ठार आरंभ कर रामचंद्र ठार आरंभ कर कृष्ण ठार आरंभ कर से जो माँ जे कली जुगर ए जुगर मध्य देखिथिले आमे अतिमानस जुगर जो नुआ जुग आसुचि तार माँ देखिबा से जुगर माँ को एग्जांपल नवा सी होचंती मानवी जे होचंती दिव्य जननी माँ को दवा श्रीमा श्रीमा को भाषा रे महानतम देवता भी मोर संतान कृष्ण मध्य मोर संतान से माने समस्ते मो आगे शिशुपरी अवश्य एंदेह नाई मोर दुईटी कान गोटे नाक प्रभृति रही प्रभृति सह रही एक मानवीय रूप किंतु ता सर्वव्यापी मोर सत्ता एवं शक्ति विश्व ठार व्यापक मोर चेतना मोर सूक्ष्म शरीर में बहुविध उपाय एवं विग्रह मध्य मुँह सबु स्थान सबु लोक पहुँची जाए से आदर करे से आलींगन करे से प्रति मोर उपस्थिति से मोर उपस्थिति एवं संस्पर्श संबंध में जहाँ भी अनुभव कर संपूर्ण सत्य कारण अनेकांश समय से अनुभूति मध्य सेमाने सब लेखि जाइछंती बा एक्सप्रेस करिछंती चिठी मध्य देइछंती तापर पुणी माँ कहचंती मुँ मध्य कथबार्ता करे किंतु जहाँ किछि करे ताहा विशेष करी सेमानंकर हृदय मध्य दे करिथाय तेणु सेमानंकर हृदय रे एकाग्र होइगरी मुँ तते आविष्कार करिबाकु हब कारण ताहा ही मोर नित्य निवास स्थल तेणु माँ मध्य सेई कथा मध्य सेई जो जिनस आपनकु कहिछंती बुझिछंती जणे लोक तीन तीन थर चिठी पठारुची माँ मुझ बह करने चाहूँगी मतलब ब्लेसींगस दिंतु प्रथम बह करने चाहूँगी ब्लेसींगस दिंतु माँ कहते ब्लेसींगस पठाऊँच लव एंड ब्लेसींगस द्वितीय थर से तृतीय थर से चिठी बाहक माँ को प्रश्न पचार करुचु कौन एक लोक एक प्रकार जिनस एक प्रकार चिठी तीनटा बह क्या चाहूँ कौन करुचु माँ कहते सतान मु मारे मार दुख तो बुझीपारे भल पाइबा मुझे आसी लव इज नॉट ब्लाइंड हंगर ऑफ द हार्ट लव इज नॉट द क्रेविंग ऑफ द फ्लेश थैंक यू।